हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुलम भाई। मैं सुनीता आज आप लोग के सामने फिर से एक नए वीडियो लेकर आई हूँ और मेरा आज का वीडियो है रेसिपी वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ हमारी ट्रेडिशनल बोरो डिश और मैं बनाऊंगी आज स्नेल करी। तो दोस्तों, आप लोग देखते रहे मेरे इस वीडियो को कि आज मैं किस तरह से बनाऊँगी स्नेल करी। तो सोलेगा फोर दिन आगे आरो गोदान मोनसे रेसिपी वीडियो लाना फैबाय भाई। ओमफ्राय दिन आगे संनो नागिरदों सामजों सबाय। तो जोंनि साम' ओंख्रियाथ' जोंनि बर'नि ओंख्रिखा, नोंथांमोनाबो मिथिखायो। सो नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दिनि साबायजों साम' ओंख्रिखौ आं माबोरै सङो। सो नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै जोंहा साम'खौ लाखिदों, मादै सासेया गामिनिफ्राय लाना फैदोंमोन, ओमफ्राय लामायावनो जोंहा लाखिनानै साम'खौ सेरनै लाखिबाय। ये देखिए दोस्तों, स्नेल हमने इसे कल रात से इस तरह से भिगो के रख दिया। ये पूरा रात इसी तरह था, देखिए। वाह, देखिए स्नेल इस तरह से होता है और इसे ढाकन कहते हैं। हम इस ढाकन को पहले साफ़ कर लेंगे अच्छे से, हम इस ढाकन को नहीं खाते हैं। तो ये देखिए, इसका ये वाला पार्ट हम हटा देते हैं, इसे इसे नहीं खाते हैं हम। इसे हम बोरों में ढक्कन कहते हैं। तो इस ढक्कन को हम इस चाकू के ज़रिए इस तरह से हम साफ़ कर लेंगे और इसे निकाल कर फेंक देंगे। नहीं लगे फिर गस्ती के वजह से ढक्कन को बखाना लाने से। तो इसी तरह से हमने इन सारे स्नेल के जो ढक्कन होते हैं उसे फेंक दिया है। ये देखिए, इस तरह से हम इसे निकाल के फेंक दिया है। नहीं लगे फिर ढक्कन को संग गार चुपाए तभी निकटों को गार नसीने भी खो। ये जो पीछे का पार्ट है, इस पार्ट को हम काट के फेंक देंगे। देखिए इस तरफ मम्मी काट कर ये जो पीछे का पार्ट है, इस पार्ट को मतलब काट के फेंक दिया जाता है, इसे नहीं खाते हैं। तो इसे हमने इस तरह से काट दिया है। देखिए स्नेल नहीं, और इसे मेरी मम्मी इस तरफ काट रही है। ये देखिए, नहीं लगे फिर इसको को दान लगा सीना आया। तो अब दोस्तों, हम इसे अच्छे से पानी से रगड़ते हुए धो लेंगे, क्योंकि इसमें जितना भी गंदा है उन सबको हम इस तरह से साफ करेंगे। देखिए, नहीं लगे फिर इसे साफा जाहांबाय। ओमफ्राय यो बादामालि दंसै आरो, बे बादामालिखौ जोङो मोजाङै हुनानै दैजों सुना लानोसै। नै बेफोर बादामालि दंजोबो, बेफोरखौ साफायै हुना लानोसै जोङो। देखिए इस तरह से हम इसे साफ़ करेंगे और इसे हमें दो से तीन बार तक हम इसी तरह से पानी से अच्छे से साफ कर लेंगे। हम खुनथम्बा खुनब्रैज मजा सुना लागन बेखौ। तो हमने इसे अच्छी तरह से धो लिया है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की ओर। तो यहाँ पे मैंने लिया है तेज़पत्ता, यह है कटा हुआ ऑनियन, और यहाँ पे मैंने गार्लिक लिया है, और यह है नागा कोरिएंडर, जिंजर,
और ग्रीन चिली। और इस तरफ मैंने लिया है ये खार, घर का बना हुआ, ये खार कंपलसरी ज़रूरी है। तो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे तैयार है। और ये है काला दाल दोस्तों, तो ये पिसा हुआ है। सबसे पहले मैंने इसे पानी में इस तरह से भिगो के रख दिया था ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए और इसमें से जो भी मिट्टी या धूल है वो सब मतलब पानी के साथ पिघल के निकल जाए, इसीलिए मैंने इसे इस तरह से धो के रख दिया था, मीन्स भिजो के रख दिया था। लोगोफोर आंगने बे सबाई को बिदि सोमनानै दोनखादों, बे उनखानाय सबाई। तो अब दोस्तों मैं इसे एक कुकर में पहले उबाल लूँगी, उसके बाद हम स्नेल में डालेंगे। ओमफ्राय दा लोगोफोर बेखौ आं रुना लाग्रोनोसै। इसमें पानी ऐड कर दिया, आप लोग अपने हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा नमक मैंने डाल दिया और इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी। और इसके बाद मैं इसे बंद करके 3 से 4 सीटी लगा लूँगी। फिर बिखौ जोङो रुना लाग्रोनोसै, संख्रि हालदै होखाबाय, दा जोङो खनथाम बा खनब्रै बिखौ सिटि गाबहोनानै फोमोनसिगोन। तो दोस्तों हमारा दाल पक चुका है, तो अब हम स्नेल को पका लेते हैं, तब तक दाल ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड कर दिया और अब हम यहाँ पर ऑनियन ऐड कर दिया। तो देखते जाइए दोस्तों हम इसे किस तरह से पकाते हैं। अब हम इसे ढक के रख देंगे 2 से 3 मिनट तक। आफ्टर 2 मिनट्स देखिए दोस्तों इस पर अब हम दाल ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे दाल ऑलरेडी ऐड कर दिया है, ये बहुत अच्छी तरह से उबल रहा है। तो दोस्तों अब हम इसे इसी तरह से बीच बीच में हिलाते हुए 10 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। सुलगुफर दा जोङो बेखौ 10 मिनट से गोबावनो फोमोननोसै। नै लोगोफोर मोनहांबायानो जोंना। ओमफ्राय आं इयाव दा गंगार दुन्दियाखौ होना होबाय सायाव। देखि यहाँ पे मैंने कोरियन्डर एड कर दिया है, अब यह हमारा पक चुका है। वाव जि मोदोमदों जानो लुगैबाय लोगोफोर। नै जोंना साम'जों सबाय ओंख्रिया मोनबायानो, दा जानोसै। देखिए दोस्तों हमारा करी बनके तैयार है।
नै रेडी जाबाय दिनिनि लन्च नै यो ना फ्राय फिसा लादों एसे ओमफ्राय अमा बेदरबो दंखायोमोन अमा बेदरखौ सावनानै जानो लुगैनानै आं सावबाय नै ओमफ्राय यो सालाद बेसे लादों ओमफ्राय नै साम' ओंख्रिया फार्स्ट ट्राय खालामनि आबो अमा बेदरखौ दरसे सावना लांदों नोंबो नांगौबा नै लांफै मोनसे खावजाजोब्बाय नामा आंबो दरसे जानोसै आगे सब नों रोङा नों सोबा बुंखागोन फ्रेंड इसे किस तरह से खाते देखिए देखिए इसे किस करना पड़ता है किस कर करके इसे खाना पड़ता है तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा कमेंट्स कर दीजिएगा और अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में आज के लिए बाय बाय।